शिट, पी से एक नाम है, एक तो मेरे को हर बात की इनिशियल याद रह जाते, नाम नहीं याद आता यार। पी से एक बड़ा फेमस पैक। हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं थोड़ी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये थोड़ा इजी रहने वाला है मेरे लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये लुक जो है मैं एवरी डे करती हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों से पूछा था कि आपको किस टाइप का मेकअप लुक सीखना है। तो मेरे जो फीमेल फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, दे एज मोस्टली बिटवीन 25 to 34। तो मोस्टली मेरे को जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो थी कि दे वॉन्टेड टू लर्न अ लुक दैट दे कैन वेयर एवरी डे टू वर्क। अब जो लुक मैं ये करने वाली हूँ ना, ये मेरा एक्चुअली एवरी डे गो टू लुक है। तो अगर मैं मार्केट तक भी जा रही हूँ ना, तो मैं इतना तो करके ही जाती हूँ बिकॉज मैं हूँ एक नई नवेली दुल्हन, और लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे कि मैं सारा टाइम ना चमकती रहूँ, चमचमाती लगूँ मैं ऊपर से नीचे तक। तो सब चाहते हैं कि हम ऑफिस जाएं तो हम ट्यूब लाइट की तरह ग्लो करें और हमारी स्किन बहुत हेल्दी लगे, ऐसा लगे हम वेरी वेल रेस्टेड हैं, जबकि हमें सोने को मिलता नहीं है जब हम ऑफिस जाते हैं। आई नो यू ऑल कैन अग्री, आई हैव बाय द वे क्विट माय जॉब ओनली बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द वर्किंग कल्चर। और मेरे पति के बहुत सारे एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं लाइफ में मेकअप को एक चांस देना चाहती हूँ, क्योंकि तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा दैट आई शुड परस्यू मेकअप बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट एंड दिस इज वेयर माय इंटरेस्ट लाइज बेसिकली। तो या करते हैं फिर आज के लिए वो वाला लुक जो आप एवरीडे कर सकते हो, और बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर भी अगर मैं इस वीडियो में, वैसे तो मैं सब बताने वाली हूँ, लेकिन अगर कुछ स्किप हो जाता है, कोई प्रोडक्ट में बताना मेंशन करना भूल जाती हूँ और जल्दी जल्दी मैं बस लुक कर रही हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट बिलो। आई एम मोर देन हैप्पी टू मैंशन इट टू यू और रिप्लाई बैक ऑन द कॉमेंट्स एंड हाउ एवर। तो इसलिए लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहली बात आती है CTM की। अब मुझे पता है सुबह तैयार होने में सिर्फ मैक्सिमम जो मेरी जैसी लड़कियां हैं वो 10 से 15 मिनट ही रखती हैं, बड़ी हद बता रही हूँ ये मैं तैयार होने के लिए। लेकिन देखो CTM तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्किन को हेल्दी रखना है तो भाई जितने मर्जी प्रोडक्ट लगा लो, अगर अंदर से स्किन हेल्दी नहीं है ना तो वो बात नहीं आएगी, इसलिए CTM इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं बेयर फेस हूँ, मैं बस अभी नहा के ही आई हूँ, सिर्फ लेंसेज पहने हैं मैंने। नहीं तो सबसे पहले CTM में मैं अपना टोनर यूज कर रही हूँ, ये मामा अर्थ का, ऐसे तो टोनर इज यूजुअली द सेकंड स्टेप बाय द वे। फर्स्ट स्टेप तो CTM में क्लेंजर होता है, तो फेस तो मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ जब मैं नहा रही थी। तो सेकंड स्टेप हमारा टोनर हो गया। थर्ड स्टेप जो है, तो एवरी डे के लिए मुझे ऐसा लगता है जितना मिनिमल रखो चीज़ों को उतना बेटर है, क्योंकि कम से कम 8-9 घंटे तो हम ऑफिस में होते ही हैं, तो और लाइटों के बीच में होते हैं, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा केक ही नहीं रखना चाहिए मामले को, जितना लाइट द लेसर द बेटर वो रखना चाहिए। बट सनस्क्रीन इज अ मस्ट बिकॉज आपको पता है ऑफिस में आप कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे होते हो या आप बहुत सारी लाइटों के आगे होते हो, तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। सनस्क्रीन बाय द वे मैं बता दूं जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि सनस्क्रीन सिर्फ जब आप सन में बाहर निकल रहे हो तो ही लगाने की जरूरत है, जी नहीं। जो आपके घर में नॉर्मल लाइटिंग भी है उससे भी आपके फेस पे ऐसी रेज आती हैं विच कैन अफेक्ट योर स्किन इन द लॉन्ग रन। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड वेयरिंग अ सनस्क्रीन नो मैटर वॉट। मैं दो टाइप के मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाना प्रेफर करती हूँ। सनस्क्रीन तो कहीं नहीं गई, ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन है विद नायसिनामाइड एंड वाटरमेलन। दिस गिव्स अ वेरी ड्यूई इफेक्ट टू माई स्किन, दैट्स वाई लाइक यूजिंग इट। एंड एमरोलिस लाइक ऑलवेज इज माई फेवरेट प्रोडक्ट दैट आई यूज अंडर मेकअप बिकॉज इस पे मेकअप ग्लाइड करता है, ग्लाइड, तो दैट्स वाई। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को मैं मिक्स करती हूँ, दोनों क्रीम को, और ये मैंने अपनी स्किन केयर वाली वीडियो में भी बताया है कि मैं अंडर मेकअप क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ये जितना ज्यादा हो जाए उतना बेटर है यार, मेरे को तो कभी आई नेवर माइंड, लोगों को लगता होगा ओ माय गॉड इतना सारा, इतनी सारी क्रीम मुंह पे लगा ली, फेस चिपचिपा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता, क्योंकि अब मेरी जैसी अगर आपकी स्किन है, बाय द वे मेरी ड्राई स्किन है मतलब कॉम्बिनेशन, तो मेरी तो जैसी स्किन पे तो ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। मैंने सुना है न्यूट्रोजिना का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज करा है। मैंने कौन सा ब्रांड है यार, वो शिट पी से एक नाम है, एक तो मेरे को हर बात की इनिशियल याद रह जाते, नाम नहीं याद आता यार। पी से एक बड़ा फेमस पैक,
तो पैक का एक एक्वा बॉम करके वो है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, वो भी बहुत अच्छा है अगर आपको समर में यूज करना है। और एक और ब्रांड है जेल बेस्ड जिसमें आप यूज कर सकते हो प्लम, उसका ग्रीन टी जेल वाला कोई मॉइस्चराइजर, वो भी बहुत अच्छा है। तो somebody who has an oily skin can definitely go for these gel based moisturizers, but eventually with age मेरी skin जो है वो थोड़ी सी combination हो गई है, तो अब समर्स भी आ रही हैं, तो इसलिए मैं तो भाई इन दोनों को प्रोडक्ट को मिक्स करके मैंने देखा कि मेरी स्किन बहुत अच्छा, देखो आप खुद ही देख लो थोड़ा बहुत यू नो ग्लो आ गया चेहरे पे। तो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप ना। एक बीबी या सीसी क्रीम भी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ये हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर फ्रॉम एल्फ यूज करती हूँ। ये फाउंडेशन नहीं है, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग अंडरनीथ मेकअप लगाते हैं, एज अ हाइलाइटर अपने फेस पे लगाते हैं, तो मतलब मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है बेसिकली गाइज। तो शार्लेट एल्ब्री का एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है ये, उसका ड्यूप है जो कि मैंने नायका से मंगाया था। तो मैं बेसिकली फाउंडेशन की जगह ये यूज करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन इतना कंसीलर वगैरह रिक्वायर नहीं है इतना। बाय द वे यहाँ बैठने से पहले मैंने पहले ही अपना ये प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैंने डैम्प करके रख लिया है, डैम्प इन द सेंस कि वाटर में आपने इसको डिप करना है और ऐसे पूरा निचोड़ देना है, उसके बाद जो इसकी ये सॉफ्टनेस होती है और इसमें थोड़ा सा हल्का गीलापन रहता है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है हाथों से मेकअप प्रोडक्ट लगाना, मतलब फाउंडेशन जैसी चीज़ या टिंटेड प्रोडक्ट लगाना, बिकॉज नेल्स वेल्स खराब हो जाते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए फॉर दिस थिंग ऑल्सो आई यूज अ ब्यूटी ब्लेंड। देखो वैसे तो ये मेरे को 10 मिनट लगते हैं सारा दिन में, मतलब सुबह सुबह करने में, लेकिन मैं इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है आपको बताने में क्योंकि ये जो है पूरा एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना अगर आप खुद करने बैठोगे 10 मिनट का काम भी नहीं है। ये बहुत फेस पे लगाया और ऐसे ब्लेंड कर लो सारे फेस पे, जो स्किन तुम्हारी लश्कारे मरेगी ना। बढ़िया प्रोडक्ट है यार ये, मजा आ गया। पहले मुझे लगा था बेकार की चीज़ है, बड़ा हाइप कर रखा है फालतू में, इतना कुछ मजे का नहीं होगा, लेकिन जब मंगा के देख लिया ना तो एक्चुअली कुछ भी कहो बात तो है। देखो तो बस ऐसे कर लिया ब्लेंड, मैं तो लगाती हूँ बस इतना ही, देखो मेरा तो काम हो जाता है इतने में। किसी को थोड़ा बहुत कंसीलर लगाना है चेहरे पे कि भाई थोड़ा अंडर आई हम चाहते हैं थोड़ी ब्राइटन अप हो जाए, हम थोड़े अवेक लगे, तो ये एक एडिशनल स्टेप है जो मैं नहीं करती, बट मैं बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। मेरे पास एक थोड़ा सा लाइट कलर का कंसीलर है, मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ एक डॉट इधर एक डॉट इधर एक नाक पे बस। ये मैं उनके लिए करके दिखा रही हूँ जिनको थोड़ा सा अंडर आई में ब्राइटन इफेक्ट चाहिए, है ना। इससे आई थोड़ी आप थोड़ा ऐसा लगते हो कि हाँ भाई अब अच्छी नींद लेके आए हो, यू स्लेप्ट वेल, काइंड ऑफ वेल रेस्टेड लुक हो जाता है ये। तब एक बात तो मैं मेंशन करना भूल ही गई, मैंने करा रखी है आई लैश एक्सटेंशन जिससे ना लाइफ हो गई थोड़ी सॉर्टेड, क्योंकि एक तो मुझे ना बड़ी बड़ी आई लैशेज अच्छी लगती है, मेरी खुद की नेचुरल भी लंबी ही थी, बट रोज ना मस्कारा लगाने में बहुत आलस आता था, तो इसलिए मैंने आई लैश एक्सटेंशन करा लिए हैं। ये 20-22-25 दिन तक तो आराम से चल जाती हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफ ईजी करनी है मेरी तरह तो आप भी करवा सकते हो, वरना नहीं तो मैं हुडा ब्यूटी का मस्कारा यूज़ करती हूँ डबल कोट, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता था क्योंकि मुझे लंबी लंबी लैशेस पसंद है लाइक आई सेड, तो वो स्टेप मैं स्किप करूँगी बट आप कर सकते हो। ये मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये है मेरा एक ब्लशर, क्रीम ब्लशर, मैं ऐसे करके लगा लेती हूँ, इससे मेरी लगती है बड़ी फ्लश्ड लुक, फ्लश लुक होती है कि मतलब हाँ 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 अभी अभी मैडम निकली हैं फेशियल फूशल करा के, क्या ग्लो मारनी है। मैं ना ऐसे वे में लगाती हूँ ऐसे ऐसे करके, नोज को भी कवर करती हूँ ताकि ना वो लगे सन किस लुक होती है ना थोड़ी सी। ये हो गया भाई मेरा ऑफिस लुक, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसफर फेस से नहीं होना चाहिए, तो बस इसको सेट करने के लिए मेरे पास ये कॉम्पैक्ट है इस शेड में, मैं बस हल्का हल्का अपने फेस पे अंडर आई पे जहाँ पे हमने थोड़ा सा कंसीलर लगाया था, और स्पेशली वो जगह जो आपको पता है भाई ऑयली हो जाती है आफ्टर अ वाइल, आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये थोड़ा विद कलर है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर डे टाइम। तो
तो मेरे लिए ये ऑफिस डे लुक सुबह सुबह में जो करना होता है ये तो यहाँ आके खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि भाई हमें आईब्रो भी हमारी थोड़ी डिफाइंड होनी चाहिए, थोड़ा बेटर लगे, तो ये एक ऐसा स्टेप था एडिशनली जो मैं ऑफिस पहुंच के करती थी या फिर कैब से मैं जब जाती थी तो मैं कैब में करती थी, क्योंकि सुबह सुबह यार इतना टाइम नहीं होता इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंसान बैठ के अपनी आईब्रो बनाए। तो आईब्रो बनाने के लिए एक पेंसिल है नायका की जो मैंने खरीदी थी। वैसे तो मैं यूजुअली जब HD मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं ब्रॉ पोमेड्स यूज करती हूँ, बट एवरी डे के लिए ये पेंसिल बढ़िया चीज़ है। ऐसे करो डिफाइन। मैं कुछ एक एडिशनल स्टेप्स आप लोगों को बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनके पास सुबह होता है, जो अपने लिए जो लेडीज होती है ना जो 2-3 घंटे पहले उठ जाती हैं, आराम आराम से अपने आप को तैयार करती है, आराम आराम से ब्रेकफास्ट करती है, कॉफी पीती है, ये उनके लिए एडिशनल बात है। मेरी तरह हर टाइम जल्दीबाजी में रहने वाली लड़कियों के लिए चीज नहीं है, क्योंकि भाई तुम इतना ही कर लो यही बहुत है। एक ये पैलेट है यार मैंने शुगर कॉस्मेटिक से खरीदी थी, अच्छी पैलेट है क्योंकि उसके अंदर 3 चीजें हैं, कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर। तो और अच्छा दिखने के लिए या और क्या कहते हैं फेस अच्छे से अपना फीचर्स को और इन्हेंस करने के लिए आप ये जो 3-in-1 ऐसी किट है क्या बोलते हैं उसको पैलेट है आप अपने पास रख सकते हो और अपने मेकअप को और इन्हेंस कर सकते हो। तो मैं अभी ये ब्लशर ले रही हूँ ऐसे और बस उसी ब्लशर के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा देख रहे हो क्योंकि क्रीम से इतना लुक आया है, एक फ्लश लुक आया है, बट पाउडर से वो चीज़ एनहेंस हो रही है और लॉक हो रही है, क्योंकि आप मानो या ना मानो बट मेकअप थोड़ी देर के बाद आपके फेस से इवेपोरेट हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि मेकअप आपके फेस से थोड़े टाइम के बाद उड़ जाता है, तो आपको उसको लॉक पाउडर से करना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा कॉन्टोर ले रही हूँ इसका जस्ट टू गिव सम डेफिनेशन टू माई फेस, और ये थोड़ी हम अपनी जॉ लाइन को ज़रा चिजल कर ले, चिजल। एडिशनल स्टेप है ये, ना भी करो तो चलेगा, मर्जी है। और एक फैन ब्रश लेके अपना इस हाइलाइटर को अपने फेस पे ऐसे कर सकते हो अगर आपके पास सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैं वो बंदी नहीं हूँ जो ये सब करती थी, बिकॉज मैं बहुत मेरे लिए 1-1 मिनट की नींद बहुत प्यारी है भाई। और इनर कॉर्नर में भी मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ ऐसे कभी कभी जब आसपास तैयार हो रही होती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना ये मेरा एवरीडे लुक भी है, ये मेरा ऑफिस लुक ही नहीं है एवरीडे लुक भी है, बट ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से मेकअप करा हुआ है। सी स्किन अच्छी लगती है। शादीशुदा औरतों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है ऑफिस जाने से पहले ये ज़रूर लगाना ज़रूरी है, वरना पति की नज़रें ऐसी होती है आज तुमने सिंदूर नहीं लगाया। हाँ भाई लगा लिया, तुम क्या पहन रहे हो, तुमने कौन सा मंगलसूत्र पहना, कभी कभी तो मेरे मन में आता है मैं पूछूं तुम भी लगाओ सिंदूर, मैं क्यों लगाऊं। एनीवे लगता तो अच्छा है वैसे, है ना। तो बस मेरी तो हो गई है ऑफिस लुक या एवरीडे लुक यहाँ पे डन। लिप्स पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने क्यों कुछ नहीं लगाया, तो मैं बेसिकली सिर्फ लिप बाम लगाती हूँ एवरीडे, मैं कोई लिपस्टिक्स नहीं लगाती एंड आई एम यूजुअली अ न्यूड लिपस्टिक गर्ल। तो एक ना एक मैं आपको बताती हूँ एंड में, एक ये मेरा ग्लॉस है मेबेलिन का, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्लॉसी इफेक्ट आपकी लिप्स को देता है और इसका जो स्टे है वो बहुत लॉन्ग है। इसका नाम भी सुपर स्टे विनाइल इंक बेबलिन की लिपस्टिक है ये, इसका शेड है 110 ऑस्ट्रक। तो दिस आई यूजुअली कैरी इन माय बैग, इफ आई वांट टू अप्लाई वरना आई गो विद द लिप बाम ओनली, आई मीन आई यूज टू गो विद द लिप बाम ओनली। तो या बस दिस इज द लुक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन एज मच एज आई हैड फन रिकॉर्डिंग दिस वन फॉर यू, एंड आई एम प्लानिंग टू कम अप विद मोर रेगुलर एंड ईजी टू डू मेकअप लुक्स इन द फ्यूचर एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन हिट द बेल आइकन इन केस यू वॉन्ट बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू डोंट वॉन्ट मिस आउट ऑन दैट वन। So, yes, thank you so much. I love you all and I shall see you soon.